नमस्कार, जय हिंद, जय जय श्री राम। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिद्ध बालाजी पीठ मंदिर की सलीमपुर उमा में जो स्थित है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर एक भव्य प्रोग्राम हुआ था, उसकी कुछ तस्वीरें आपको मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। मंदिर को एकदम भव्य तरीके से सजाया गया है, फूल मालाओं से पूरा मंदिर जगमगा उठा है। हनुमान जी की जयंती पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देख सकते हैं मंदिर कितना विशाल और भव्य है। अगर आप यहां पहुंचना चाहते हैं, उसके अलावा मैं बता दूं कि यहां पर रक्त शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहां पर प्रोग्राम हुआ था, लोगों ने रक्तदान भी किया। उसके अलावा मंदिर को आप देख सकते हैं कितनी भव्यता से यहां पर सजाया गया है, फूल मालाओं के साथ। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि मंदिर को कितना भव्य तरीके से सभी देवी देवताओं को यहाँ पर सजाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो भक्त हैं काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है, ये हर वर्ष की बात इस वर्ष भी आयोजित किया गया था। उसके अलावा बता दें, यहाँ पर मंदिर में लगभग भक्तों को काफ़ी देर लाइन भी लगानी पड़ी, क्योंकि इस बार काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे थे। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं बाहर से भी कितने लोग यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं दर्शन के लिए। उसके अलावा यहाँ पर एक सुंदर गान का भी आयोजन किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं जो भूत पिशाच इनके ऊपर चुड़ैलों का साया है, तो यहाँ पर कैसे बजरंग बली के उसमें कैसे झूमते नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो ऐसी दिक्कतें जिनको हैं, वो उनके सभी कष्ट दूर किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हवन पंचकुंडी हवन यज्ञ भी होता है। उसके अलावा यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल देख सकते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं, मंदिर के गेट से आप देखेंगे तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं, कैसे लाइन लगाए हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर जो भक्त हैं वो घंटों लाइन में खड़े रहे, क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ होती है। और ये सिद्ध बालाजी का मंदिर है जो रूमा में स्थित है, सलीमपुर में स्थित है। उसके अलावा बता दें, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, मैंने बात भी की थी यहाँ के जो मंदिर के महामंत्री जी हैं और जो पुजारी जी हैं, उनसे भी मैंने बात की। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। ऐसा यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं उनसे मैंने बातचीत करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके अलावा देख सकते हैं संख्याएँ, देख सकते हैं यहाँ पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, मंदिर की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो बालाजी के आप दर्शन भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बालाजी कितने मनमोहक लग रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं तस्वीरों में देख सकते हैं। भीड़ काफी तादाद में यहां पर कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और यहां पर जो जिनको भूत पिशाच से शिकायत, देखिए कैसे कैसे बिल्कुल आप देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल एकदम सब सही होके जाते हैं यहाँ से, बिल्कुल कह सकते हैं। और यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम देख सकते हैं जो हवन यहाँ पर होता है कितना सजाया गया है। आइए, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। अभी हम मौजूद हैं बालाजी जो सिद्ध मंदिर है सलीमपुर रूमा कानपुर में, और वहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कार्तिक मेले का भी आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो भक्तगण आए हैं वो दर्शन के लिए आए हैं। जानकारी लेते हैं कि इस मेले में और या फिर इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर क्या क्या व्यवस्थाएं हुई हैं और मंदिर समिति की ओर से क्या कहना, ये जानकर सवा मनी भोग प्रसाद लगाया जाता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर हवन होता है, हवन के अंतर्गत भगवान को 101 आहुतियाँ लगाई जाती हैं। उसके बाद सवा मनी भोग लगता है, 56 भोग लगता है, राजभोग लगता है। और आज का दिन बहुत विशेष दिन माना जाता है, पूर्णमासी का दिन है, बाबा के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा। इस समय जो भी मनोकामना आके मंदिर में आगे करता है उसकी बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं। सर कब से चल रहा है ये कार्यक्रम? और लगभग हमारा 32वां जो है हवन है, और इस समय बालाजी दरबार से आई हुई शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। तो जिनको कोई संकट होते हैं, जिनको कोई तकलीफ है, कोई आराम है, वो सब कटते हैं इस यहाँ पर आकर के, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? ये लोगों का, जनता का सैलाब है, भक्तों का सैलाब है, और ये उनकी श्रद्धा है। हम कोई भी विशेष प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, सबको मालूम है कि कार्तिक पूर्णिमा को बालाजी महाराज का सवा वनी हवन सिद्ध श्री बालाजी मंदिर सलीमपुर रूमा में होता है। आदमी उसी से आता है, उसको मालूम हर वर्ष की परंपरा है, हर वर्ष होता है। और क्या संदेश देना चाहते हैं जो यहाँ पर भक्तगण आते हैं, उनके लिए क्या? जो लोग भी किसी प्रकार की कोई रुका हुआ काम उनका नहीं हो रहा हो, किसी बच्चे की शादी में कोई व्यवधान आ रहा हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, और कोई मनोकामना ऐसी है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही, बाबा यहाँ के बाबा को प्रार्थना करें, किसी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही हो, किसी को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या बाबा से प्रार्थना करने पर उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर और आज क्या, कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, क्या कहें? आज यहाँ पर सिर्फ भगवान का सवा मनी कार्यक्रम, भगवान का श्रृंगार, चोला श्रृंगार, सवा मनी भोग, 56 भोग, यही कार्यक्रम है। बाबा के दर्शन करें, आनंद उठाएं, जो
जिसकी जो मनोकामना उसके लिए 30 रुपए की दरखास्त लगती है बाबा को, मन में करना पड़ता है बाबा मेरे काम पूर्ण करें, 30 रुपए में बाबा सबके काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रक्त शिविर भी लगाया गया, तो काफी लोग रक्त भी डोनेट कर रहे हैं, तो क्या इसके साथ हमारा दायित्व बनता है कि कोई सामाजिक कार्यक्रम भी करें तो जनता के हितार्थ, क्योंकि क्योंकि रक्त की बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए रक्त शिविर लगवाया गया। क्या कहना है सर, आज काफी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, क्या काफी संख्या में लोग आए और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? एक तो हमारे मंदिर के अंतर्गत यहाँ पर सिलाई मशीन केंद्र चलाया जाता है, जो जो लोग अशक्त हैं यहाँ आकर सिलाई मशीन से सिलाई सीखते हैं और अपना आगे का जीवन यापन उसी से करते हैं। ये मंदिर की ओर से कोई भी गाड़ी नहीं जाती है, ना कोई बस जाती है, ये निःशुल्क जो है रोड से अंदर आने के लिए ये हमारी वो छोटी छोटी मारुति लगी हैं उससे ये लोग बिना पैसे के यहाँ तक आ। श्याम प्रहलाद दास गुप्ता है, मैं यहाँ का सेवक हूँ। क्या कहेंगे पंडित जी, यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए आज? हर प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जो बालाजी महाराज के शरण में जो भी आदमी आता है, जो भी भक्त आता है, सब पर प्रभु कृपा बनाए रखे। यहाँ हर व्यक्ति अपनी अपनी दरखास्त लगाए, हर एक कार्य की वो कार्य संपन्न होगा, ये बालाजी महाराज की कृपा बनी रहेगी। और क्या जहाँ पर काफी संख्या में लोग आए हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे कि इसी दिन भीड़ होती है या फिर डेली या फिर इसी तरह की भीड़ यहाँ पर बनी रहती है? नहीं, अक्सर इसी तरीके की भीड़ बनी रहती है, मंगल शनिवार और संडे इसी प्रकार की भीड़ रहती है, बाकी अन्य दिन थोड़ी सी कम होती है, बाकी भीड़ श्रद्धालु आया करते हैं। आपका यहाँ पर क्या दायित्व है, आप किस तरह से यहाँ पर सेवा करते हैं बाबा की? मैं यहाँ पे 18 बरस से हूँ, इस मंदिर प्रतिष्ठा जब से हुई है, मंदिर की नींव रखी गई है, मैं तब से इस मंदिर पे कार्य प्रगति पे देखता हूँ और जो भी कार्य होते हैं मंदिर प्रांगण में वो मैं सारे कार्य देखता हूँ। चलिए हमारे थोड़ा परिचय बता दीजिए अपना के बीच। मैं रिंकू तिवारी, बालाजी मंदिर। यहाँ पर देखा भी हमारे पास जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी में से थे, जब से मंदिर की नींव रखी गई थी तब से वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर जो भीड़ है वो ऐसे बनी रहती है। तो आइए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे भी थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं, यहाँ आए हुए हैं, क्या माहौल लग रहा है और किस तरह से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दर्शन करने काफी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पर, काफी लोग। तो आज क्या अरदास लेके आए, यहाँ पर काफी तादाद में लोग आए, तो क्या कहेंगे? यही है, सब लोग सुन रहे हैं महाराज। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये 56 भोग का यहाँ पर कार्यक्रम आहुति का पंचकुंडी यज्ञ हो रहा है, तो आप यहाँ पर आए हुए तो क्या मनसा से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये बालाजी महाराज के दर्शन करने आए, यहाँ पर बहुत पहले से ये कार्यक्रम चल रहा, हम लोग महाराज जी के गांव से बंगरा जिला जालौन से उत्तर प्रदेश से आए हुए। अच्छा, जालौन जिले से आए हुए हैं? हाँ, उनका गांव है, हाँ वहाँ से आए हुए। अच्छा, काफी दूर से आए हुए हैं। और उसके साथ क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं, यहाँ जो उत्सव चल रहा है ऐसा ही बराबर चलता रहा, लगभग कितने सालों से चल रहा है? हाँ, यहाँ चल रहा कई बार 11-12 साल हो गए, 11-12 सालों से इस तरह का भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, भव्य कार्यक्रम चलता है यहाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप आए हुए हैं तो लगभग यहाँ पर कहते हैं भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है? हाँ, यहाँ आने से भक्तों की कामना पूर्ण होती है, बालाजी महाराज के दर्शन करने। और उसके अलावा यहाँ पर जो व्यक्ति भूत पिशाच से भी परेशान है तो उनका भी निदान दूर होती है, भूत को भी हमेशा शंकर वाले यहाँ दूर होती बाधा है, दूर से लोग आते हैं। क्या कहेंगे जो लोगों के पास समस्याएं हैं यहाँ पर आए एक बार, भूत बाधाएं यहाँ सब दूर होती दरबार में? तो रामा जी से आए तो यहाँ क्या रास लेकर आए हुए बाबा के धाम में? हर साल आते हैं बाबा से, परिवार का सुख समृद्धि। पिछली बार के अपेक्षा इस बार कार्यक्रम कैसा दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार अगर आप भी बालाजी के भक्त हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जय जय श्री राम।